फर्स्ट तो डायग्नोसिस पे, जैसे बोला कि कोई भी खांसी जो 2 हफ्ते की ज्यादा हो तो उसमें टीबी के बारे में हमेशा सोचे, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. एनी कफ मोर देन 2 वीक्स सस्पेक्ट दैट यू कैन हैव टीबी. नंबर 2, टीबी इज फुली क्योरेबल. ये मैसेज भी पूरी पब्लिक में जाना चाहिए कि टोटली क्योरेबल है एंड ऑल ड्रग्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडिंग ड्रग्स फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रोग्राम. दैट्स द सेकेंड मैसेज जो पब्लिक के लिए जाना चाहिए. रैपिड टेस्ट आजकल अवेलेबल हैं हमारे, जिनको हमने उनको मल्टी प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के रूप फॉर्म में ज़्यादा प्रमोट करना शुरू किया, बिकॉज जितना भी ये जीन एक्सपर्ट और ट्रू नेट है ये बहुत सारे टेस्ट कर सकते हैं, HIV, TB और बहुत सारे डेंगी, सेरोलॉजी, इस तरह के काफ़ी टेस्ट उस पर हो सकते हैं. तो रैपिड टेस्ट जो हैं अवेलेबल हैं प्रोग्राम के अंडर, और हम आजकल ये प्रमोट कर रहे हैं कि सीधा आप माइक्रोस्कोपी के बजाय अगर बेसिक टेस्ट कराना है तो आप रैपिड मॉलिकुलर टेस्ट से करवाएं. ड्रग्स टोटली सेफ हैं, ट्रीटमेंट को बिल्कुल छोड़ना नहीं है बीच में, कीप अधेयरिंग टू योर ट्रीटमेंट. फॉलोअप भी हम एडवाइस कर रहे हैं कि आप ठीक होने के बाद भी 1 से 2 साल तक डॉक्टर को 6-6 महीने में आप दिखाते रहें, ताकि आप बिल्कुल क्योर वाली स्टेज में दोबारा आपको टीबी तो नहीं हो गई है. ये जो प्रिकॉशंस हम कोविड में ऑब्जर्व कर रहे हैं इनको अगर हम करते रहें ऑब्जर्व, तो ये टीबी और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो एयरबॉर्न है उनसे हमारा बचाव करेगी. तो जनरल पब्लिक और स्पेसिफिकली अगर किसी को टीबी है तो उस पेशेंट को ज़रूर मास्क पहनना चाहिए, बिकॉज पेशेंट खुद एज अ पब्लिक हेल्थ एडवोकेट बन के ही प्रिवेंट दैट ट्रांसमिशन टू अदर्स.